लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और उस पर रोक लगाने के लिए और इस कोविड से बचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कई कदम उठाती हुई नजर आ रही है और नए एसओपीज भी लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक एसओपी निकाली गई थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है 50% ही सिर्फ सवारियाँ बिठाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाया जाएगा और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोगों के बीच में गुस्सा था, रोष था और उन्होंने एक स्ट्राइक पर जाने की बात कही कि हम तब तक गाड़ियां नहीं चलाएंगे जब तक जो 50% हाइक है वो नहीं दिया जाएगा। और ये बात हुए अब 6 दिन हो रहे हैं। 6 दिनों से सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान है और एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कब तक ये स्ट्राइक चलने वाली है। और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है विजय सिंह चिब जी। इनसे जानेंगे सर, जिस तरीके से 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन का समय तो बीत गया है, अब क्या लगता है कि आगे कितने दिन ये स्ट्राइक चलने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा था कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक आपको हाइक नहीं मिलेगा, तब तक आप ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। धन्यवाद मैम। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा कि ये हमारी स्ट्राइक नहीं है और ना ही हमने चक्का जाम की कॉल की है। देखिए, आज से 6 दिन पहले एक ऑर्डर निकलता है, उसमें हमें कहा जाता है कि आप फुल सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी चलाएंगे और सवारियां जो है गाड़ी में खड़ी नहीं करेंगे। तो हमने वेलकम किया, क्योंकि आपको पता ही है पिछले 1-1.5 साल से ये जो बीमारी पूरे भारत में और पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो हमने अपने जितने लोग थे हमारे ट्रांसपोर्टर, हमने बात की कि कल से हम गाड़ियां जो है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चलाएंगे और एसओपीस के साथ चलाएंगे, क्योंकि आज आप ये जो बीमारी है इसमें एसओपीस और ये जो मास्क है और सैनिटाइजर, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमने वो ऑर्डर ही निकाला तो दूसरे दिन एक नया ऑर्डर आ गया जिसमें 15% सवारियाँ लेके आपने गाड़ी चलानी है। तो धक्का हमें तब लगा जब भी कोई ऐसे ही कोई ऑर्डर करना होता है, जब भी सरकार से हमारी कोई बातचीत चलती है तो हमें बुलाया जाता है और हमें बुला के रास्ता, कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। तो हमें बिना पूछे, बिना किसी कारण, जब ये गवर्नर साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद शाम को नोटिस निकल गया कि आपने ये गाड़ियाँ बताइए। मैं आपके माध्यम से आम जनता से, इस झूठी सरकार से, क्या 10 सवारियाँ लेके गाड़ी चल सकती है? तो जब ये ऑर्डर निकला हमने लोगों को बुलाया और जितने हमारे ग्रुपों के प्रधान थे और जितने हमारे ट्रांसपोर्टर थे, क्योंकि हमारे जो मेन छाता है वो चेयरमैन हमारे वजीर साहब हैं। तो जब हमने बैठ के जब ये सलाह मशवरा किया तो उसमें, क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं सकती थी और ऊपर से 1 साल जब गाड़ियां खड़ी रही, तो खड़े होने के कारण हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, सरमाया ही नहीं था हमारे पास कि हम अपनी जेब से डीजल डाल के गाड़ियाँ चला सकते। जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपने ये ऑर्डर निकाल लिया कि एसओपीस के साथ गाड़ियां चलेंगी, पर हमने ये भी देखा था कि जब सड़कों पर मेटाडोर्स थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, तो कहीं ना कहीं पुलिस चलान काटती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मेटाडोर्स के अंदर जो एसओपीस हैं उनका पालन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी जो है फेस मास्क के बिना नजर आए थे। नहीं, देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, जब ये स्टार्टिंग में खुला था पहले, तब सरकार ने 30% कराया और 67% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लो किया था। बीच में उन्होंने जब ये 30% किराया वापस ले लिया तो तब तो सवाल ही नहीं बनता था कि मैं सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चलूँगा। एसओपी इसकी बात थी कि वहाँ पर जो ज़रूरत था कि जो फेस मास्क था वो ज़रूरी था, क्योंकि सवारियाँ तो ऐसी थी कि जो नहीं पहन रही थी, पर जो कंडक्टर थे, ड्राइवर थे, हमने खुद देखा कि चलानिंग जो है बहुत ज़्यादा लेवल पर हो रही थी। नहीं, चलानिंग हमें तब अभी 6 दिन पहले भी चलानिंग हमें हुई जब ये ऑर्डर था हमें फुल सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो हमारे चलान अपना पुलिस ने किए, कुछ ट्रैफिक पुलिस ने किए कि आपने ये 1 सीट पे 2 सवारियां क्यों बिठाई है। लेकिन मैम, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ऑर्डर निकल रहा है बाद में, तो पहले हमें इतने चलान हुए हमें कि पता नहीं क्या, ऐसा लगता है मुझे जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है ऊपर दिखाने के लिए इन्होंने नीचे कोई ना कोई बहाना लगा के एक प्रपोजल बना के भेजते हमने नीचे इतना काम कर दिया है। आपको क्या लगता है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है? मतलब कि क्या नहीं लगता है कि एक तरफ जहाँ पर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो जरूरी था कि इन सब चीज़ों पर रोक लगा ली? आपको लगता है कि आज 6 दिन अगर सरकार को चिंता होती, 6 दिन हो गया बंद हुए, और मुझे तो हमें ट्रांसपोर्टरों को तो ये लगता नहीं लगा क्योंकि सरकार ने अगर कोई ऐसा ऑर्डर करना होता हमें बिठाती, कोई बातचीत होती, हम भी अपना दुखड़ा सुनाते। हमें तो ये लगा कि सरकार ने लॉकडाउन सीधे नहीं लगाया, सीधे उन्होंने 50% सवारी, उनको पता है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो होता है गाड़ी का उसी पे गाड़ी चलती है, तो सरकार ने हमें ये 50% सवारियां देके उन्होंने सीधे लॉकडाउन ही लगा दिया, क्योंकि कान चाहे सीधे पकड़ो चाहे उल्टे पकड़ो, लेकिन सरकार का मकसद था लॉकडाउन करना, तब उन्होंने ये 50% सवारियाँ की। जी, अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हर कोई जो है ऑटो का किराया बेयर नहीं कर पाता है, हर कोई जो है अपनी गाड़ी नहीं उसके पास है, और कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लाइफलाइन मानी जाती है किसी भी शहर की। अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर मेटाडोर्स जो है लाइफलाइन मानी जाती है, वो नहीं चलने से आम जनता बहुत परेशान हो रही है। अब ये सवाल करें कि कब तक मेटाडोर्स जो हैं सड़कों पर नजर आएंगे? पहले तो मैं आम जनता से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जनता अपनी जगह ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टर अपनी जगह ठीक है। कल ही आपने देखा है गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, जिसमें आप मुझे बताइए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं क्या उनकी पे कम है? किसी की लाख रुपए है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 90,000 है। सरकार ने 25,000 रुपया जो सेक्रेटरेट मूव होता है कश्मीर में उनको दिया। आप मुझे बताइए सरकार कोई ऐसा पैकेज लाए हमारे लिए, जब तक ये महीना 1.5 महीना SOP से चलना है हमने, कोई ऐसी कोई पॉलिसी लाइए, कोई ऐसा कोई सब्सिडी लाइए डीजल में हमें, अब मत बढ़ाइए किराया, मैं जनता के साथ हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किराए की, लेकिन मेरा डीजल लाइए आप आधे रेट पे। देखिए ताली दोनों हाथों से बजेगी, गाड़ी तभी चलेगी मैम अगर गाड़ी में डीजल होगा। आप देखिए अगर मेरी गाड़ी जाती है उधमपुर जाती है, उधमपुर बस में 20 सवारियाँ लेके जाएगी तो 20 सवारियां का तो यहाँ टोल भी नगरोटा में पूरा नहीं होगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो मतलब कि आप चाहते हैं कि अब सरकार आपके लिए कोई पैकेज लेकर आए या आपको भी किसी तरीके से कोई मदद प्रोवाइड करे तो आप जो है एक बार फिर सड़कों पर उतर जाएं। देखिए हमने पिछले 1.5 साल से हम चिल्ला रहे हैं, हमारे लिए कोई पॉलिसी लाई। आप देखिए मैं आपके माध्यम से आम जनता तक भी बात पहुँचाना चाहूँगा और सरकार तक भी। हमारी नेबर 2-3 स्टेटें हैं, जिसमें हिमाचल है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, और चेक करिए आप मीडिया से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, आप उनके ऑर्डर चेक करिए, उन्होंने 1 साल के लिए सारे जितने भी टैक्स थे वो आगे किए। हमारी खड़ी गाड़ी पे किस्तें, बैंक, प्राइवेट फाइनेंस और टैक्स हमारे इतने दुगने भी हुए बीच में। तो हमारी तरफ से यही मांग है कि सरकार कोई ऐसा पैकेज लाए, लोगों पे बोझ मत डालो। आप अगर आप एम्प्लॉइज जो लाख रुपया महीना ले रहे हैं उनको आप 25,000 रुपया दे रहे हैं महीने का, हमारे लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाइए, हम वेलकम करेंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा जनता से भी, और ख़ासकर वो लोग जो गरीब हैं, जो बेचारे दिहाड़ी लगा के, क्योंकि हमारी मेटाडोर, एक आपने देखा होगा ये जो हमारी मेटाडोर की सर्विस है सबसे कम किराया हमारी स्टेट में है, 10 रुपये में आप कहीं भी आ जा सकते हो। तो हमारी मजबूरी है सरकार कोई ऐसा पैकेज लाए ताकि हम गाड़ियाँ चलाएं। तो आज 6 दिन से हम चुपचाप बैठे हैं, सरकार हमारा इम्तिहान ले रही है। क्या तब फैसला होगा जब हम सड़कों पे आएंगे? मतलब कि आप साफ तौर पर जो है अब एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती कर रहे हैं, साफ तौर पर उन्हें वार्न कर रहे हैं कि अगर नहीं मानी गई बातें तो आप सड़कों पर उतर जाएंगे, प्रदर्शन होंगे, गुस्सा दिखेगा। देखिए मैम, मैं तो ये चीज़ क्लियर करूँगा, अगर हमारी जो आधी ट्रांसपोर्ट इस टाइम बंद है क्योंकि कुछ दायरा अभी चल रहा है, जैसे मानिए पेट्रोल टैंकर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम लोगों की कमर तोड़ें, हम उस तरफ जाएं कि सरकार एक ही दिन में बैठ जाए। आपको पता ही है जब ये पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ें बंद हो जाती हैं तो मुझे लगता है 1 घंटे में पेट्रोल पंप सूख जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि सरकार पर कोई ऐसी कोई मुसीबत ट्रांसपोर्ट डाले। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कृपया हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो आप देखिए, बैठिए। हमें कोई अपना काम धंधा बंद करके कोई शौक नहीं है कि हम चुप काम छोड़ के बैठ जाएं। तो अपील रहेगी हमारी, कोई रास्ता बीच का निकालिए ताकि ये ट्रांसपोर्ट चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह छिब जी, जिन्होंने साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को चेता दिया है कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो ये लोग जल्द ही सड़कों पर उतरे हुए नजर आएंगे। गुस्सा दिखेगा, रोष दिखेगा और प्रदर्शन भी दिखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने आम जनता से माफ़ी भी मांगी है। परंतु एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन के उठाए हुए कदमों से आम जनता और साथ ही साथ बाकी एसोसिएशंस खुश नहीं है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।